ये फ्रूट की तरह दिख रहा है लेकिन फ्रूट है नहीं, बहुत विषैली चीज है ये। एक बार बचपन में ना ताऊजी के लड़के ने खिलाई थी मुझे, तो भाई साहब मुझे खिलाई थी भाई ने, और मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, नशा भी लगता है इससे एक तो, और गले में भयंकर खराश जैसी होती है, भयंकर दर्द जैसा होता है, और मैं रोने लगा। मैंने दादाजी को बताया, दादाजी ने भाई की जितनी भी उच्चतम क्वालिटी की गाली रही होंगी उस टाइम पर सारी गालियाँ दी दादाजी ने भाई को। भैया चलो पहाड़ों को जन्नत यूं ही नहीं कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप, कोहरा लगा हुआ है जंगल के बीच, और कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, ये देख सकते हैं आप। ये देखो तितली बैठी हुई प्यारी सी बहन के पीठ पर, ये देखो हमारी प्यारी सी बहन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, मेरा नाम भूपेंद्र उतवाल और आप देख रहे हैं दिल से पहाड़ी। चलिए फिर पहाड़ों की बातें बयां करते हैं, आज कुछ नया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आ रखा हूँ जंगल में, गायों के साथ आया हूँ। ये नीचे पे एक गाय दिख रही है। और मौसम की बात की जाए तो मौसम के हाल कुछ इस तरह के हैं, कोहरा लगा हुआ है और धूप आने के चांसेस तो हैं अभी, जिस हिसाब से थोड़ा हल्की फुल्की उमस हो रही कोहरे में भी। और ये व्यू देख सकते हैं आप दोस्तों जंगल में, और ये पेड़ों के बीच ये कोहरा कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो चीड़ के पेड़, कितने बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं, और ये देखो यहाँ रखा हूँ मैं। एक सवाल पूछ रहा हूँ जो उत्तराखंड से बाहर के हैं उनके लिए है ये सवाल, दोस्तों ये किस चीज़ का पेड़ है जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, क्या आप लोगों को पता है किस चीज़ का पेड़ है। खैर उत्तराखंड वालों को तो पता होगा, इसको देख के तो मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं। दोस्तों ये फ्रूट की तरह दिख रहा है लेकिन फ्रूट है नहीं, बहुत विषैली चीज़ है ये। इसे हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं बाघ की मुंगरी, यानी शेर की जो मक्का होता है ना, शेर का मक्का है करके ये। तो ये एक बार बचपन में ना ताऊजी के लड़के ने खिलाई थी मुझे, इसी जगह पर खिलाई थी यहाँ पर, इतना याद है मुझे, मैं तब 6-7 साल का रहा हूँगा तब खिलाई थी ये मुंगरी मुझे। और तब ना दादा लोग यहाँ पर है हमारी छानी ये, तो अब टूट गई वो, तो वहाँ पर रहते थे। तो भाई साहब मुझे खिलाई थी भाई ने, और मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, नशा भी लगता है इससे एक तो, और गले में भयंकर खराश जैसी होती है, भयंकर दर्द जैसा होता है, और मैं रोने लगा। मैंने दादाजी को बताया, दादाजी ने भाई की मतलब उस ज़माने में तो गाली भयंकर वाली होती थी, वो जितनी भी उच्चतम क्वालिटी की गाली रही होंगी उस टाइम पर सारी गालियाँ दी दादाजी ने भाई को कि तूने मार दिया इसे अलाना फलाना। तो ये चीज़ें भी कभी कभी याद आ जाता है यार कि कैसे खाया था यार, मैंने भी खाया कैसे था यार भयंकर वो। मौसम तो पूरा पैक हो रखा आज, और अब चलते हैं यार घर को, एक भी बज चुके हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा ताल बारिश में बना हुआ है, ये ताल एक सिनेमेटिक शॉट हो जाए इसका भी नहीं। देखो ऐसी ऐसी जगह जा रहे हैं, घास में ले गया था मैं ऊपर, वहाँ नहीं चरा इन्होंने, अब घर जाने का टाइम आ गया तो अब चरने लग गए हैं। और ये ढांगा है, ये आपातकालीन में लाए थे इसको हम उस समय, जब कभी भी ग्वाला आता हो ना गायों के साथ तो बचपन के दिन हमेशा याद आते हैं कि कैसे करके हम यहाँ पर मस्तियाँ करते थे, कैसे क्या करते थे, और बहुत मस्तियाँ करते थे हम जंगल में। तख्ते की गाड़ी होगी, झूला लगा दिया पेड़ पे, बहुत सारी चीज़ें थी, क्रिकेट खेलते थे, अब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं क्योंकि गाय भी लोगों के पास उतनी है नहीं, जंगल की गाय तो अब कोई ज़्यादा आता भी नहीं है, जिसके पास होंगे बैली होंगे ज़्यादा, बाकी बस वीरान हो रखे हैं जंगल। ये जंगल भी बोलते होंगे यार जमाना कितना चेंज हो गया करके, तो फिलहाल अभी मौसम थोड़ा ठीक बना हुआ है, अब ले जाता हूँ इनको घर, बहुत चर लिया इन्होंने भी आज तो, भाई सुबह से रोटी भी नहीं खा रखी, भूख भी बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है। भैया चलो ये देखो, इस पे देखो मतलब खाना जरूरी है नीचे क्या, बड़ा पड़ोल तो हुए अपनी, अरे उजाड़ होने बड़े भाई, ये भयंकर उजाड़ भी जाना यार, ये डर लगनी होता भी होता कि रौनपण हूँ। चल अब घर चला, भयंकर भी जहाँ खेल मैं तो मैं। मौसम देखो यार कैसा हो गया फिर यार, अभी गाय बांधी मैंने और पानी नहीं आ रहा गाँव में, तो पानी लगाने जा रहे हैं, कुछ लोग आए हुए हैं, अरे यहाँ पर रुके हुए हैं भाई लोग, ये देखो। तो यार पानी लगाना भी ज़रूरी है, आजकल बरसात के मौसम में ना पानी
बार बार टूटता रहता है और पानी के बिना तो यार कुछ भी नहीं है। दो दो पाइपलाइन है हमारे गांव में, लेकिन फिर भी पानी नहीं आ रहा क्योंकि दोनों पाइपलाइन डैमेज हो रखी हैं उधर गदेरे से जहाँ से पानी आता है। तो ये यहाँ पर बुजड़ा यानी यहाँ पर पाइप के अंदर पता नहीं कुछ घुस रखा था, तो इसलिए यहाँ पर पाइप निकाला और उधर गदेरे से जा रखे कुछ नौजवान बल, उन्होंने वहाँ से पानी लगा दिया तो यहाँ पर भी पानी आने लग गया। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे इसको, उसके बाद हम भी निकल जाते हैं घर को। भूख भी बहुत तेज़ लग रही है यार अब तो। और यहाँ देखो सुबह भी टाइम लैप्स दिखाए थे मैं आप लोगों को, और अभी भी देखो क्या शानदार नज़ारा आ रहा। डेढ़ बज रहे हैं और डेढ़ बजे का मौसम यह है भाई दिन का। ये देखो बब्बा, आधे रास्ते तक चले गए थे नीचे, फिर पता चला कि पाइप पे तो पानी नहीं आ रहा, फिर ऊपर आए उसी जगह पर, अब फिर नीचे जा रहे हैं। पता नहीं चल रहा कहाँ पर कुछ लगा हुआ है पाइप पर, और पाइप है अंडरग्राउंड। हे भगवान, हे देवता, और बारिश और ज़्यादा। मैं तो था भूख लगनी हूँ क्या बना, पानी यहाँ पर हो रखा है लीक। देखो पूरा अंडरग्राउंड है ये पाइपलाइन, और यहाँ अंदर पानी लीक हो रहा है, और हम कभी नीचे देख रहे हैं कभी वहाँ ऊपर जा रहे हैं, और पानी हो रहा है यहाँ पर लीक ऐसी जगह पर। वो तो जेकि देख लिया वाला है, मैं तो आज भी हम सोच रहे कि यहाँ कहीं कुछ लगा हुआ है पाइप पर, लेकिन चलो खैर इतना बड़ा खड्डा करने के बाद ये देखो तब जाके पता चला। ये देखो ये पाइप लाइन यार रिपेयरिंग भी होगी, मुझे तो नहीं लगता है रिपेयरिंग होगी। रिपेयरिंग होती पुरानी लाइन तो शायद ऐसे दिन भी नहीं देखने पड़ते हमें। ये वाला प्लास्टिक का पाइप लगा रखा था यहाँ पर, क्योंकि वो यहाँ पर सॉकेट रहा होगा तो वो काटना पड़ा होगा, टूटा होगा, और इस वजह से यहाँ पर प्लास्टिक का पाइप लगा रखा था ये वाला। और इसके अंदर जड़ घुस रखी पता नहीं किस चीज़ की, घास की जड़ घुस रखी, और वो इतनी टाइट हो रखी वहाँ पर कि निकल ही नहीं रही। जबीर भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ भाई बोलो। मैं क्या बोला, दिहाड़ी शाम दिहाड़ी वो गए पाँच रुपये नहीं भाई साहब। देखो यार अब बात वो वाली नहीं है, बात यही इतना देखो इतना गड्ढा कर लिया यहाँ पर, ये तो इतना ढूंगा गाड़ी हमने भी। अब यहाँ पर इतना वो तो रहा होगा और मेहनत इतनी ज़्यादा लग रही है, ऊपर से इतनी बारिश आ रही है, इस बारिश में हम लगातार लगे हुए हैं। और भाई देखो रिपेयरिंग तो होनी चाहिए यार ये लाइन, अब प्रधान जी से ही बोलना पड़ेगा। नहीं चुप रही प्रधान, चुप रही मैं? अरे प्रधान जी तभी बोल नहीं यार लाइन रिपेयर कर भाई, ग्राम सभी लाइन नहीं पाँच नहीं तो 50 मांग पूरा भाई। ये देखो भयंकर लाइन ऐसी हो रखी, पाइप लाइन भयंकर पानी की पाइप लाइन ऐसी हो रखी, तो उसके अंदर पूरी जड़ घुसी हुई है यार, जड़ जम रखी इसके अंदर। ये देखो ये जड़ अंदर तक घुसी हुई है, और जिस वजह से यहाँ पर ना पानी पास नहीं हो पा रहा, और आजकल बारिश के मौसम में वो जड़ और लंबी चलेगी अंदर शायद। प्रीमा ओ भाई साहब इतनी बड़ी जड़ थी इसके अंदर, क्या ही मैं जबर भी रहे वो ले ही जोड़ा बेटा। ये था भाई पाइप के अंदर, और फाइनली यहाँ पर पानी आ चुका है। हा? तो सक्सेस हो गया भाई हमारा प्लान। इस जड़ ने कराया भाई इतनी मेहनत आज हमसे, करीब में डेढ़ बजे आ गया था यहाँ पर, और चार बजने वाले हैं और अब जा रहे हैं हम घर। ये देखो बब्बा इतना बड़ा, ये देखो तो भाई फिर से जा रहे हैं वहां पानी लगाने, वहां पे तोड़ रखा था। ए को जाना तेरा क्या जी, ये बब्बा आ तेरे बोल रहे हैं भाई। अच्छा ये रेवन दिखाने जाने, रेवन दिखा जाने, हाँ क्या जाने था बोल फिर भी ओ मस्तु बो अमुक्की लेकर ही मकाओ हैं। पहाड़ों को जन्नत यूं ही नहीं कहा जाता है, ये देख सकते हैं आप, कोहरा लगा हुआ है जंगल के बीच, और कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, ये देख सकते हैं आप। चीड़ के पेड़ कल भी दिखाए थे, आज भी दिखा रहा हूँ, हमेशा दिखाता रहता हूँ, ऐसे व्यू मिलते हैं तो दिखाने का मन और भी ज़्यादा करता है। और अभी यहाँ पर लगा दिया है पानी, अब नीचे जाना है जहाँ पर हमने उतनी बड़ी दीवार तोड़ रखी है, तो फिलहाल उसको दीवार को भी लगाते हैं। भाई पुश्ता भी दे दिया यहाँ पर, ये देखो पूरा यहाँ पर रास्ता है ना, ये रास्ता ठीक नहीं होता टूटा हुआ, तो हमने कहा इसको भी साथ साथ ही दे देते हैं, क्या करें आप गाँव को पानी तो चाहिए चाहिए, थोड़ा समाज सेवा हो जाएगी। और जयवीर भाई तो बोल रहे हैं कि भाई मैं तो 10 से उगाऊँगा सबसे, तो भाई यहाँ पर ये देखो शाम को भी आ रखे हैं करीब इतना, अब दिखाता हूँ यहाँ से देखो आप, ये दीवार है जी नीचे,
नीचे तक है वैसे, और नीचे तक तो इतनी बड़ी दीवार है, ये लगा रहे हैं भाई। इतना तोड़ा हमने सुबह यहाँ पर, और तब जाके पानी जा पाया है यहाँ से। तो निकलते हैं यार जल्दी जल्दी घर, बारिश का भी कोई भरोसा नहीं है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और वीडियो कैसी लगी थोड़ा मेंशन कर ही लेना आप लोग, कहाँ पर सुधार कर सकते हैं, कहाँ पर क्या कर सकते हैं मैं। और बाकी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर ही लो यार, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।